उत्तराखंड में छिपी हैं स्वर्ग की सीढ़ियाँ, क्या आप इनके बारे में जानते हैं? अगर आप इतिहास में रुचि रखते हैं तो आप भारत में जहाँ भी जाएं, आपको इतिहास के ऐसे अजीब किस्से कहानियाँ मिलेंगी जो कि आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। हर पर्वत, हर पहाड़ और हर नदी के साथ जुड़ी हैं कहानियाँ। और अगर देवभूमि उत्तराखंड में घूमने की बात करें तो यहाँ पर तो हैरान करने वाली दिलचस्प कथाओं का कोई अंत ही नहीं है। पहाड़ों की गोद में बसे ऐसे ही एक मज़ेदार और रोचक कहानी है स्वर्ग की सीढ़ियों की। इस कहानी के बारे में आपने अक्सर समाचार चैनलों में डॉक्यूमेंट्री देखी होगी। मैंने इन पौराणिक कथाओं से जुड़ी जगहों को करीब से देखा और जाना, इससे जुड़ी दिलचस्प कहानियों को माना गाँव के लोगों से सुना। ये वो गांव है जहाँ से स्वर्गारोहिणी और सतोपन झील ट्रैक की शुरुआत होती है। आखिर क्या है कहानी स्वर्ग की सीढ़ियों की? महाभारत के 18 अध्यायों में 17वें अध्याय महाप्रार्थनी का पर्व में लिखा है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद पांचों पांडव भाइयों ने अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ संन्यास ले लिया और महल और राज्य को छोड़ तपस्या के लिए निकल पड़े। तपस्या का ये सफ़र उन्हें हिमालय के पहाड़ों के बीच ले आया। स्वर्ग की ओर अपने इस आखिरी सफ़र पर बढ़ते हुए अपने कर्मों का फल उनको मिलने लगा। सबसे पहले द्रौपदी की मृत्यु हुई, उसके बाद सहदेव इस यात्रा को पूरा ना कर सके और मारे गए। इसके बाद नकुल और अर्जुन की मृत्यु हुई। फिर आगे बढ़ते बढ़ते भीम की भी बारी आई और उनकी भी मृत्यु हो गई। ये लंबी यात्रा पांडवों को हिमालय की गोद तक लेकर तो गई, पर युधिष्ठिर को छोड़ एक एक कर सबकी मृत्यु हो गई। यह माना जाता है कि एक कुत्ते के वेश में छुपे धर्म के साथ युधिष्ठिर ने स्वर्ग की सीढ़ियाँ यहीं चढ़ी थी। महाभारत के इस अंश में यह भी बताया जाता है कि बिना मानवीय शरीर छोड़े यही स्वर्गारोहिणी का रास्ता है जहाँ से आप स्वर्ग जा सकते हैं। यदि आपको मेरा चैनल पसंद आया हो और यह एपिसोड अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।